लोकसभा में क्या रहेगा अरविंद शर्मा को? भाई पहले बात तो है मोदी जी की लहर है और नीचे खट्टर ठीक है, और अरविंद शर्मा जी कम से कम 70-80 हजार वोटों से जीते, और लगा दी सुनो वही मरिया 70-80 हजार से जीते। ये तो सर वो बात हुई कि अरविंद शर्मा जी फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी के सारे जीतेंगे, व्यक्तिगत अगर उनको पूछा जाए तो उनके क्या मानते हैं? व्यक्तिगत तो यार अच्छा आदमी है, कोई उस पर क्या नाम कोई भ्रष्टाचार का वो नहीं, पढ़ा लिखा आदमी। आपसे ही पूछेंगे सर, आपसे ही पूछेंगे आराम से। 3 बार सांसद रह लिया, निर्दलीय सांसद बनाया, 2 बार के नाम से टिकट पर बना, कांग्रेस से बना, तो अच्छा आदमी था इसलिए तो 3 बार बना। ये बताओ दीपेंद्र हुड्डा के विकास के दावों को मानते हैं आप? दीपेंद्र हुड्डा को मैं तो अपने खर में बता सकता हूँ, खरर का मैं सरपंच हूँ, ठीक है जी। 10 साल में खरर में जितना खरर में नाराज किया दीपेंद्र को लेके, ये मैंने खरर में पूरे हल्के में है। आप ये बात बताओ यहाँ मनोहर लाल खट्टर ईमानदार आदमी, बहुत ही ईमानदारी से ये मानो छोटराम के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ही किसानों का मसैया है, ठीक है। लेकिन बेरियल का तो सर गढ़ माना जाता है हुड्डा का, रघुवीर का भाई बताओ यार, ये 3 बार नहीं हुआ था बन क्या अपना अपना करके अपना तो है फोड़ा भी हो सायरा तो ना सुन दे ऐसे बना दिया भाई साहब घर पर बना दे भी नहीं दे गरीब का ना फिर काम करवाओगे तो फिर आप ये बताओ 10 साल में हुड्डा ने कितनी नौकरी लगाई और नौकरी भी कैसे लगाई ठेकेदार थे और 4.5 साल में मनोहर लाल की सरकार कितनी नौकरी लगाई आप इसे अंदाजा लगाओ। ये ठेकेदार बहुत बातें चल रही हैं, चीर खर्ची सब बच गए, चीर खर्ची सब बच हो गए, दलाल खो दिए। ऊपर से मोदी जी ने कही थी कि भाई दलाल खो देंगे, नीचे तक खो दिए है ना। और सारे का लहर ये चल रही है, आग भाई पीएम बने मोदी, नीचे बने मनोहर लाल, और धनखड़ साहब पूरे बादली हल्के आप पूछ लो 30 साल से पहले 25 साल का दिखपाल रह गया, 10 साल नरेश रह गया शर्मा जी, अब धनखड़ साहब ने 4.5 साल में आप बादली का नक्शा देखो पूरे हल्के का, कोई भी गांव हर गांव को ऐसे दिखेगा ऐसे व्यायामशाला भाई गली लोगों की और कोई समस्या पानी की सुविधा तहसील एकदम बादली हल्के में सारे पीछे राज वाले ये कहते आए हैं भाई यार तहसील बना देंगे, किन बनाई इससे नहीं बनाई ओम प्रकाश धनखड़ मनोहर लाल के रातों रात SDM बैठा दिया एकदम SDM उठाना सारी चीज इकट्ठी कर। कांग्रेस की हार की अगर बात की जाए तो आपके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आ जाती है, इसका क्या कारण है भाई? इसका कारण यो है अब उनने भ्रष्टाचार घना मचा रखा था, यो है आप ज्यादा खुश नजर आ रहे हो जितने भी लोगों से मैंने पूछा सारे जनता ये झज्जर की जनता झज्जर की जनता है और पड़ोस से भी आ रही, ये सब आप किसी से पूछ लो अगर सब खुश नहीं होने नहीं आपका व्यू इसलिए मैंने रखता क्योंकि बेरी हल्के से हो ना आप और बड़ा गांव है आपका सरपंच भी हो बिल्कुल, तो बेरी हल्के के अगर ये बात की जाएगी तो बीजेपी को लेकर तो ये चौंकाने वाली बात हो जाती है। चौंकाने वाली बात क्या, जो अच्छा अच्छी सरकार रही अच्छे प्रधानमंत्री रहे अच्छा मुख्यमंत्री रहा कृषि ऐसा है इससे पहले अगर ये हाँ खड़े कृषि मंत्री का इनाम सुना करते कौन है कौन नहीं ये बताओ। क्या खरर में भी ठेकेदारी प्रथा थी आपके गाँव में? खरर में भी थी ठेकेदारी एक दो की मैं नाम किसी का नहीं लेता ठीक है और ना मैं किसी का नाम लेकर विरोध करता, पर मैं एक वो कहता हूँ जैसे पहले कृषि मंत्री भी किसी को पता रहा था किसी को नहीं रहा, अब की बार अपने जैसे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी पूरे देश में डंका बजाया भाई कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ क्योंकि किसानों के मसीहा है छोटराम के और पूरा काम लोगों की पूरी सुनते हैं और 18 घंटे कम से कम काम कर रहे हैं सीएम साहब भी और भाई सीएम साहब की टीम भी और ये सारे लोग हैं ना जो ये ईमानदारी के ऊपर सब बीजेपी से इसलिए खुश हैं कि ठेकेदारी खत्म कर दी सब की। चलिए सर आपके व्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कभी आपके गांव में आएंगे आपके कार्य को लेकर पूछेंगे। एक और सुनो 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 बस सुनो भैया इतने खड़े हैं
मेरे कार्य की आप तो अभी जाकर पूछ लो, अभी बता देंगे जी हम। सुन लो, 10 साल सरकार रहेगी कांग्रेस की और इमन्नत 3 साल 2 महीने होंगे सरपंच बने, है ना। आप मेरे गांव में पूछो जाकर भाई, 10 साल और मन गिन लेंगे भाई, सरपंच नहीं से ना फालतू काम करे अगर 10 साल ना करे। और रही बात है यो आशीर्वाद भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी का है। अच्छा, इसने ओम प्रकाश धनखड़ जी बिल्कुल है, ठीक है। ए, मेरे गांव के हरिजन भी आ रहे हैं, पूछ ले हमारे गांव सर। लेकिन पहले प्रदर्शन भी खूब किया था सरपंचों ने, तो कृषि मंत्री जी के खिलाफ वो दूर हो गई वो सारी चीज। नहीं नहीं, ऐसा देखो वो तो ये नहीं है, कुछ सरपंच कांग्रेस के थे, ठीक है ना। तो उन्होंने पहले भ्रष्टाचारी मचा रखी थी और उसका यू लगाने के लिए भाई देखो पैसा तो सब चाहो भाई, मैं भी पैसा चाहिए मैं भी ले जाऊँ, लेकिन ये थोड़ी ना अब भाई पाछले कांग्रेस के राज की डाल पर सब कहे ना खाजा डाला मोड़ता। जैसे कहते ना सेंटर था भाई, एक बार राजीव गांधी ने कही थी 1 रुपया भेजो 10 पीछे पहुंचे, और ई भाई रुपया भेजा है मोदी और रुपया है बोला टन दे। आपसे आखिरी सवाल, जो कांग्रेसी देखेंगे इन सब चीजों को, कांग्रेसियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेसियों को मैं यू कहना चाहूँ भाई, यह ठेकेदारी प्रथा ही गई छोटे, और जो मलाई खा रहे हुए बेचारे बोलने लग रहे ना, और ना कोई गल।